हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नई स्टिक लाइट। जैसे कि स्टिक लाइट का ज़माना है, हर ब्रांड अपनी स्टिक लाइट लॉन्च कर रहा है। तो लास्ट हमने आपको दिखाई थी डिजिटेक की, तो उसी टाइप का सिमिलर प्रोडक्ट अब वेलबॉर्न ने भी लॉन्च करा है, जो कि आपकी गोडॉक्स LC500R से इंस्पायर्ड है। इसका मॉडल नंबर है WB500R। और जो अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो, और लुक्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट डिजिटेक कि जो स्टिक लाइट है DSL 25 RGB, उसकी आइडेंटिकली प्रोडक्ट है। ऐसा लग रहा है कि उसी फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग है, सेम ही प्रोडक्ट है, बस ब्रांडिंग अलग है। तो देखते हैं इसको खोल के कि इसमें कुछ अलग है या सेम ही है, क्योंकि उसके बाद आया तो उससे बेटर होना चाहिए लॉजिकली। तो पहली चीज़ जो हमने नोटिस करी, इसके अंदर इन्होंने कैरी बैग अच्छा दे दिया जो डिजिटेक में मिसिंग था। तो एक अपग्रेड तो ये हो गया, क्योंकि इवेंट्स के यूज़ होते तो बैग इंपॉर्टेंट है। बाकी कंटेंट्स अगर इसके अंदर देखें तो पावर अडॉप्टर जैसे डिजिटेक में था, इसमें भी है। और इसकी पावर केबल आ गई, और डायरेक्ट उसको चलाने के लिए आपको AC अडॉप्टर, AC पावर से चलाने के लिए। और एक इसकी ये हो गई, आपका रिमोट हो गया इसके अंदर। और ये हैंड के लिए, सेफ्टी के लिए एक स्ट्रैप है जो लाइट में डल जाएगा। अब मेन लाइट को देखते हैं, तो इसमें बांड डोर्स हैं सिमिलर जैसे डिजिटेक में थे और LC में। और ये ग्रिप इसकी हो गई, रिमूवेबल बांड हो रहा है, इसमें स्क्रू दे रखा है। और पैनल वगैरह बिल्कुल सेम ही है जैसे डिजिटेक के अंदर था। यहाँ बैटरी आपकी लग जाएगी, और यहाँ से आपकी सेटिंग्स कंट्रोल वगैरह हो जाएंगे, और ये रिमोट से भी कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं बैटरी लगा के इसको ऑन करता हूँ, एक बार बेसिक्स आपको इसके दिखा देता हूँ, फिर इसी लाइट से बाकी का वीडियो बना लेंगे, जिससे आपको इंटेंसिटी और क्वालिटी का आइडिया लग जाए। ये ऑन ऑफ स्विच से ऑन हो जाएगी आपकी लाइट, तो बाय डिफॉल्ट ही ऑन हो गई है। तो ये 7500 केल्विन पे है आई है अभी। इससे आप कलर टेम्परेचर्स को चेंज कर सकते हैं, मिनिमम आपका इसका 25K तक जाएगा जो मुझे लगता है। हाँ, तो 27 से 75 की इसकी रेंज है। तो ये प्योर येलो हो गया आपका, येलो वार्म लाइट आ रही है। और अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स पे ले जाते हैं, इसमें फुल आउटपुट पता चल जाएगा। ये हो गया आपका 4600 केल्विन, ये इसमें येलो और वाइट आपकी मिक्स हो गई। इसके बाद मोड के बटन से RGB मोड में चले जाएंगे, तो HSI मोड आ गया। ये रेड कलर पे लाइट चल रही है, रेड लाइट हो गई। इसमें कलर चेंज कर सकते हैं आप, सैचुरेशन 100 ही है अभी, ब्राइटनेस 100 है। कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड पे एक आपने देख ही लिया, तो एक बार ग्रीन पे चले जाते हैं। ग्रीन में अभी आपको आउटपुट का इसका आइडिया लग जाएगा, कि क्योंकि RGB में रेड, ग्रीन और ब्लू पे मैक्सिमम पावर आती है, बाकी तो मिक्स कलर्स होते हैं, उसमें इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये ग्रीन आ गया आपका, ग्रीन की फुल पावर है। अब इसके अंदर ब्लू देख लेते हैं, और ब्लू इसका आएगा आपका 225 के आसपास। तो ब्लू ये आ गया आपका, ब्लू ब्लू में इसकी, ये ब्लू की फुल पावर हो गई। सॉफ्ट लाइट है, डिफ्यूज इन्होंने भी करी हुई है जैसे डिजिटेक में थी, तो लाइट इससे सॉफ्ट हो जाती है। थोड़ा आउटपुट लॉस भी होता है, लेकिन सॉफ्ट हो जाती है, आप लाइट को देख सकते हैं। और वैसे भी अंधेरे की लाइट है, तो अभी हम अंधेरा करके इसको चेक करेंगे, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी लाइट होती है तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती नहीं। इसके बाद SFX मोड है, स्पेशल इफेक्ट्स में सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे रोटेशनल लाइट्स, लाइटनिंग, TV बल्ब, फायर, और पुलिस कार, एम्बुलेंस। तो टिपिकली सेम ही सारे स्पेसिफिकेशन है। तो जो मुझे एक ही डिफरेंस लगा है इसके अंदर, तो इन्होंने जो बैग एक्स्ट्रा दे दिया। और अगर प्राइसिंग की बात करें इसकी, तो प्राइसिंग भी इन्होंने डिजिटल जितनी सेम ही रखी है। जो 6000 की है ये लाइट विद बैटरी, तो एक तरीके से आपको गोडॉक्स से तो आधे रेट पे ही पड़ गई। गोडॉक्स की इस टाइम 14000 की चल रही है, तो ये उससे 6000 की आपको विद बैटरी मिलेगी लाइट। अब एक बार इसका आउटपुट टेस्ट कर लेते हैं रूम में, मतलब बाकी की लाइट बंद करके, ताकि आपको इसकी ब्राइटनेस का आइडिया लग जाए। कंपनी ऐसे 26 वॉट इस पर लिखती है, 25-26 वॉट, लेकिन डिफ्यूज़ होने के बाद वो कम हो जाती है। तो एक्चुअल इफेक्टिव लाइट मैं आपको एक बार इसको प्राइमरी लाइट की तरह यूज़ करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको आउटपुट का आइडिया लग जाए। तो अब इसका हम आउटपुट टेस्ट कर लेते हैं। हमने मेन लाइट अपनी बंद कर दी है, अब इसी को ऑन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट मोड पे ऑन होती है 100% पे। ये है इसका 7500 केल्विन, और ये नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है आपका रिंग
2-3 फीट का डिस्टेंस होता है अपना स्टिक लाइट का, तो उस हिसाब से आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। ये अभी है वाइट, प्योरली वाइट। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, इसमें येलो ऐड कर दे तो पावर बढ़ जाएगी। मिड रेंज में मैं इसको ले जाता हूँ, आपका ये आ जाएगा 4500 के आसपास। इसमें अब येलो और वाइट मिक्स आ रही है और उसमें आउटपुट बढ़ गया। तो ये विदाउट लाइट आप देख सकते हैं जो सिचुएशन है, और ये विद लाइट है, काफ़ी सॉफ्ट लाइट है और पावर भी डिसेंट है, क्योंकि बहुत दूर ये जाएगी नहीं, इसका 4-5 फीट से ज़्यादा थ्रो नहीं है, क्योंकि स्टिक लाइट में ऐसे ही होता है। और इन्होंने डिफ्यूज़र भी लगा रखा है, अगर ये अनडिफ्यूज लाइट होती थोड़ी और ज़्यादा दूर चले जाती। अब RGB मोड पे चेक कर लेते हैं इसको। ये RGB मोड आ गया आपका, ये रेड लाइट पे चल रही है। तो ये हो गया इसका आउटपुट टेस्ट, और एक स्पेशल इफेक्ट मैंने आपको बताया था वो बैकग्राउंड में ही चलते हैं, बैकग्राउंड के लिए अगर आप चलाना चाहें तो। ये आपका स्पेशल इफेक्ट्स आ गए, तो ये कुछ नया प्रोडक्ट नहीं है, सिमिलर टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो मार्केट में आ रहा है, बस इन्होंने थोड़ा इसमें बैग वैग इम्प्रूव कर दिया है और प्राइस भी सेम ही रखा है, तो एडवांटेज आज सच नहीं है, लेकिन एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर सेम प्राइस में आपको ये कैरी केस भी मिल रहा है तो फिर भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आ गया, क्योंकि बाकी फीचर्स तो सेम है ही है और प्राइसिंग भी सेम ही है, तो लेने में इसको फ़ायदा ही है। तो हम भी अब इसको डिजिटेक की जगह यही वाला बेचेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि और कोई डिफरेंस उसमें दिखा नहीं मुझे, और बैक का एडवांटेज आपको मिल रहा है। तो आप लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर पे। इसका मैं मॉडल नंबर आपको बताया था, वेलबॉर्न स्टिक लाइट है ये, 500R गोडॉग जैसी स्टिक लाइट।